गाइज आपने YouTube पे बहुत वीडियो देख ली है कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, वीडियो वायरल कैसे करें, 100-200 व्यूज आते हैं दोस्तों, सब कुछ आपने ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गाइज आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने हर चीज कर लिया है, हर चीज आजमा लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सही टाइमिंग कौन सी है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, कब आपको वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो बहुत यूट्यूबर हैं छोटे छोटे जो कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइम में हमें वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि बेस्ट टाइमिंग कौन सी है, वो भी आप अपने क्रिएटर स्टूडियो पे जाके पता कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट टाइमिंग है वीडियो अपलोड करने की। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, उनकी आपने देखा होगा वीडियो एग्जैक्ट वही टाइम पे आती है, उन्होंने एक फिक्स टाइम कर रखा है, जैसे 8 बजे देनी है वीडियो शाम के, तो 8 बजे देते हैं, 5 बजे देते हैं, 4, 2, हर एक चैनल की एक फिक्स टाइमिंग रहती है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने चैनल बना लिया है, 6-7 महीने हो गए हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है, तो गाइज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ आज बहुत बढ़िया वीडियो। तो गाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट टाइमिंग क्या कौन सी रहेगी जो आपको वीडियो अपलोड करनी चाहिए। दोस्तों जैसा आपको पता होगा सौरभ जोशी है, उनका जो ब्लॉग का चैनल है, उनके ब्लॉग हर रोज 8 बजे आ जाते हैं। जो सौरभ जोशी की ऑडियंस है उनको पता है कि ब्लॉग 8 बजे आ जाता है, तो वो तुरंत जाके देखने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके ऑडियंस को भी पता रहता है किस टाइमिंग में आपका ब्लॉग आने वाला है या किस टाइमिंग में आपकी वीडियो आने वाली है। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट टाइमिंग कौन सी है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए फिर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ले चलता हूं मैं आपको YT स्टूडियो ऐप में, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और वो होना भी चाहिए आपके पास। तो गाइज आप जैसे ही YT स्टूडियो आप ऑन करोगे, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पे जाना है कंटेंट पे भी नहीं, यहाँ पे आपको मिडल में एनालिटिक दिख रहा होगा, तो वहां पे जाके सिंपल आपको ऊपर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस और रेवेन्यू। अगर जिस बंदे का चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उसके में सिर्फ 3 ही दिखाई देंगे ऑप्शन, ओवरव्यू, कंटेंट एंड ऑडियंस। तो ऑडियंस पे जाना है, सिंपल यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा वेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, यहाँ पे साफ साफ दिखा रखा है कि कब जो भी आपके व्यूअर हैं, जो आपको आपको देखना पसंद करते हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूब पे कब एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको टाइमिंग यहाँ पे मेंशन कर दी है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जो भी यहाँ पे जो पर्पल कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों उसका क्या मतलब है वो मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा फ्यू व्यूअर मतलब बहुत ही कम, मतलब जो सबसे कम मतलब लाइट कलर है ना, यहाँ पे डार्क कलर और एक लाइट कलर, दो तरह के कलर है। तो लाइट कलर का मतलब है कि बहुत बहुत कम आपके जो सब्सक्राइबर है, जो आपके ऑडियंस है, वो यूट्यूब पे एक्टिव है, ठीक है, उस टाइम पे। और जब ये कलर बहुत डार्क हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो सब्सक्राइबर है वो उस वक्त एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे आपने मेरा यहाँ पे देखा होगा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में दे रखा है 11:59 PM, मतलब 12 रात के 12 बजे, ठीक है। तो रात के 12 बजे कोई भी नहीं रहता, साफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइट कलर में दे रखा है। अब उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे दे रखा है 5:59 AM, मतलब सुबह के 6 बजे, एक मिनट कम है, सुबह के 6 बजे भी ज्यादा लोग एक्टिव नहीं रहते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जो मेरी ऑडियंस है दोस्तों मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है 11:59 AM, तो दोस्तों 11:59 AM मतलब ऑलमोस्ट 12 बज गए, ठीक है। तो 12 बजे दोपहर के मतलब मेरे जो व्यूअर हैं वो आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डार्क कलर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क सा हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर मैं 12 बजे अपनी टाइमिंग फिक्स करता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करने की वीडियो, तो उस वीडियो में चांस है कि हाँ आपके व्यूज आ जाएंगे, लेकिन नहीं, इतने नहीं आ पाएंगे जितना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो नेक्स्ट टाइमिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5:59 PM, इसका मतलब शाम के 6 बजे, एक मिनट कम है, शाम के 6 बजे यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा सब कुछ डार्क है, जितने यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 7 के 7 दिन आपको दिख रहा होगा डार्क कलर है। इसका मतलब ये है अगर मैं 5 बजे अपलोड करूंगा, 6 बजे वो रहते हैं, तो 5 से 6 बजे के बीच में अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, या 5 बजे फिक्स कर लेता हूँ या फिर 6 बजे फिक्स कर लेता हूँ, तो उस वक्त यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मेरी ऑडियंस है, सब्सक्राइबर है, वो एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पे, मतलब वो यूट्यूब उस टाइम को चलाते ही चलाते हैं। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वैसे ही मैं पब्लिश करूंगा, तो सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करेंगे दोस्तों। तो गाइस जो इंप्रेशन है वो भी ज्यादा मिलेगा, मतलब जैसे ही यूट्यूब का क्या होता है, यूट्यूब जैसे ही हमारी नोटिफिकेशन हमारे सब्सक्राइबर के पास भेजता है, अगर वो अब फिर वो देखता है स्टार्टिंग में कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है।
अगर ज्यादा लोग क्लिक करते हैं तो वो और लोगों के पास भेजता है, उसमें एंगेजमेंट बढ़ाता है, इंप्रेशन बढ़ाता है। और अगर उस टाइमिंग में जैसे मान लो अभी आपने वीडियो अपलोड कर दी, नोटिफिकेशन चले गए और ज्यादा लोगों ने क्लिक नहीं किया है, उसने 100 लोगों के पास आपकी नोटिफिकेशन भेजी, इंप्रेशन भेजा, उसमें से 4-5 या 6-7 लोग क्लिक कर रहे हैं उस वक्त, तो यूट्यूब को लगेगा, यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि वीडियो में दम नहीं है, वीडियो बेकार बनी है, तो वो और इंप्रेशन नहीं भेजेगा और लोगों के पास नहीं भेजेगा। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट टाइमिंग आपकी कौन सी है। उस टाइमिंग में आप जैसे मैं यहाँ पे 5 बजे या 6 बजे अपलोड करूंगा, मेरे जो सब्सक्राइबर वो एक्टिव रहते हैं, मैं जैसे ही वीडियो, मेरी जैसी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी मैक्सिमम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपकी क्लिक बेट भी बढ़ेंगे, उससे यूट्यूब को लगेगा हाँ ये वीडियो पसंद आ रही है, तो यूट्यूब और उसमें इंप्रेशन भेजेगा और एंगेजमेंट भेजेगा दोस्तों। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि बेस्ट टाइमिंग कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके चैनल की बेस्ट टाइमिंग कौन सी है, कि आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी चाहिए उसी टाइमिंग में। गाइज अगर आपको यूट्यूब पे अच्छे से काम करना है, यूट्यूब पे अगर आपको आगे जाना है, करियर बनाना है, तो टाइमिंग बहुत जरूरी है गाइज। आपको टाइमिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइमिंग पे आपको वीडियो अपलोड करनी है। तो गाइज टाइमिंग भी उतनी मैटर करती है जितना थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये चारों चीजें जो मैटर करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत मजेदार वीडियो और आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो मैं बनाता रहूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।